सज्जनों, प्रिय बंधु, सादर प्रणाम। बंदे का नाम, मेरा नाम है दत्ताचार्य सेना। जननी जनक का नाम गोदाबाई रामाचार्य और मेरी विद्या की दृष्टि से पूछा जाए तो वास्तव में प्रवीण प्रचारक साहित्य रत्न उर्दू डिप्लोमा जैसी योग्यताएं पढ़ाई के विषय में। मेरी मातृभाषा है तेलुगु। माता जी ने मुझे चमचों के साथ तेलुगु पिलाई। तो वास्तव में हमारे यहां महिलाएं मातृमूर्तियां पहली प्रसूति के लिए मायके यहां चलती है, इसलिए मायके यहां जाने के कारण मेरा जन्म स्थान कमानपुर, यह कमानपुर वराह क्षेत्र समझा जाता है, अत्यंत पवित्र स्थान है। एक समय खेड़ा गांव था मगर आज मंडल है। तेलंगाना प्रांत में करीमनगर जिले पेद्दीपल्ली और मंतेने के बीच स्थित इस कमानपुर में मेरा जन्म हुआ, इसलिए सगर्व मैं कह सकता हूं कि मेरा जन्म स्थान कमानपुर है। वास्तव में मेरे पूर्वज, हमारे पूर्वज महाराष्ट्र के चांदा के निकटवर्ती चामुशी में रहा क्या करते थे, बहुत बुजुर्ग लोग, दादा परदादा लोग। जीविका चलाने के लिए यहां पर जो हैदराबाद कहलाया जाता था एक समय, यहां माइग्रेट हुए, स्थानांतर कर, इसलिए मेरा जन्म स्थान कमानपुर है। तो 1928 में मेरा दादाजी ने जीवन बिताने के लिए एक घर का निर्माण चंदौर में किया और पिताजी वहीं रहते थे, इसलिए मेरा स्थान स्वस्थान चंदौर है, जो आदिलाबाद जिला में है, वो भी तेलंगाना प्रांत में। उसके तदनंतर पूर्वज महाराष्ट्र चांदा चामुशी के लोग मेरा जन्म स्थान कमानपुर और स्वस्थान चन्नौर, सब जो स्थान आपका स्थान प्रस्तुत स्थान हैदराबाद, घर का नंबर 11-5-61/4, रोड नंबर 14, सरूर नगर, वेंकटेश्वर कॉलोनी, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद। यह है मेरा सत्यो स्थान। अब यहां पर यही मेरा स्वस्थान है, यह स्वस्थान का मतलब प्रस्तुत स्थान है ये। और मैं तेलुगु भाषा भाषी हूं, वो मेरा जीवन है। आज बातचीत करता हूं, सज्जन बंधु हैं तेलुगु वाले, और मेरा जीवन तेलुगु है भाई। हर कोई काम, स्वप्न खाता हूं तो तेलुगु में, बोलता हूं तो तेलुगु में, लिखता हूं तो तेलुगु में, यहां तक कि खांसता हूं, छींकता हूं, खरोचता हूं तेलुगु में। तेलुगु ही मेरा जीवन है, किंतु जीविका चलाने के लिए बस जीवन तो बिताना है, जन्म हुआ तो जीवन बिताना है, तो इसलिए वृत्ति के नाम पर, वृत्ति प्राप्त करने के लिए, कोई ना कोई नौकरी करने के लिए मुझे हिंदी सीखना पड़ा।
वो मेरा भोजन बन गया, वो जीवन है ये भोजन है। नहीं, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत लगन के रूप में अंग्रेजी में की आवश्यकता होती है। अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को भी मैं थोड़ा कुछ जानता हूं। इन तीन भाषाओं को लेकर बस जीवन की यात्रा चला रहा हूं। और मेरी वृत्ति प्रवृत्ति अध्ययन अध्यापन, तो 1998 में हिंदी पंडित के नाते मैं विश्रांत हूं। हिंदी पंडित के जैसे ही मैंने काम किया, मेरी सरकार की पूरी सेवा, मेरी सेवाएं सरकार के लिए हिंदी पंडित के नाते ही, और विश्रांत हिंदी पंडित हूं अब। तो विश्रांत लेकर भी 16 साल हो गए मेरे। वृत्ति प्रवृत्ति की दृष्टि से अध्ययन करना, अध्यापन करना, उस वृत्ति में मेरी श्रद्धा है। रुचि अभिरुचि के बारे में देखेंगे तो मैं ज्योतिष को बहुत जानता हूं, सामुद्रिक शास्त्र के बारे में काफी रुचि लेता हूं। रुचि अभिरुचि शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना, कोई महान पंडित नहीं बन सकता किसी विषय में। जानता हूं मैं सामुद्रिक शास्त्र के बारे में, थोड़ा सा ज्ञान है सामुद्रिक शास्त्र में। तो बहुत बड़े बड़े उन्नत शिखर पर पहुंचे हुए सज्जन हैं, शास्त्रज्ञ हैं। कम से कम थोड़ा सीख लो, जो कुछ ज्ञान प्राप्त करो, देश की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो। इस संकल्प से मैंने सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन शुरू किया। जहां तक हो रहे भरसक पुस्तकों का अध्ययन मैंने किया, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उसको भी मैंने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। बस ज्योतिष के एक अंग, वेद के षडंगों में ज्योतिष प्रधान है, उसके सहकार विद्या में सामुद्रिक शास्त्र भी एक शास्त्र है। इन दोनों शास्त्रों को पूर्ण शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष तो इतना बड़ा शास्त्र है, वो अग्रज स्थान में है, बहुत बड़ा शास्त्र है, उससे बढ़कर कोई शास्त्र है कहना नहीं, ऐसा कोई कह नहीं सकते। सामुद्रिक शास्त्र उससे कम नहीं है, पूर्ण शास्त्र है, मगर साकार विद्या है। साकार विद्या ही नहीं, एक विषय मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं नम्र साथ, नम्रता के साथ। जिन व्यक्तियों के जन्म तिथि सही नहीं है, बराबर नहीं है, या नहीं जानते हैं, उनके बारे में अगर कोई शास्त्र कहता है तो केवल सामुद्रिक शास्त्र ही है। दूजे होते हैं बच्चे, तो उन बच्चों के बारे में जन्म तिथि एक होने पर भी समय एक होने के कारण लग्न कुंडली से देखा जाए, चंद्रमान की दृष्टि से देखा जाए, सूर्यमान की दृष्टि से देखा जाए, तो एक ही नक्षत्र एक ही ग्रह। ज्योतिष जो उनके बारे में भी रेखाओं के आधार पर कहने की शक्ति केवल सामुद्रिक शास्त्र में है। खैर, बताना और चीज है, नाम के नाम नक्षत्र पर बताने वाले भी हैं, वो भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आता है। ज्योतिष का की प्राधान्यता है, ग्रह आधारित होते हैं, गणित आधारित होते हैं, एक गणना के आधार पर भविष्य सुना सकते हैं। अगर वो उनके लिए गणित प्रधान है, गणना प्रधान है, तो सामुद्रिक शास्त्रज्ञों के लिए रेखाएं प्रधान है। उनके ग्रहों को देखकर गणना करके अनेक कुंडलियां बनाकर भविष्यवाणी कहते हैं, तो रेखाओं के गमन से, रेखाओं पर दृष्टिपात कर, एक विहंग दृष्टि से देखकर
एक जातक के बारे में बोल सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र, तो ज्योतिष शास्त्र तो ज्योति है, सबको विज्ञान प्रदान करने वाला शास्त्र है। पूरे किसी शास्त्र को मैंने कम नहीं कह रहा हूं, यू तो संख्या शास्त्र है, केश शास्त्र है, छाया पुरुष लक्षण शास्त्र है, अंग शास्त्र है, तिल शास्त्र है, नाड़ी शास्त्र है, नाना प्रकार के कोई शास्त्र कम नहीं है, किसी शास्त्र को हम नहीं कह सकते हैं। किंतु बहुत सारे लोगों का कथन यही है कि पूर्ण शास्त्रों में ये दो ही शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र के बाद दूसरा स्थान आता है सामुद्रिक शास्त्र का। सामुद्रिक शास्त्र का प्रधान आधार हाथ, हाथ देखकर ही बता सकते हैं वे। हाथ की प्रधानता क्या है, आलंबन हाथ क्यों हुआ है, तो बुद्धि विकसित जीवों के प्रधान लक्षणों में जिनका हाथ विकसित है वे ही मानव कहलाते, बुद्धिजीवी कहलाते। हाथों पे बंदर भी होते हैं, पूर्ण नहीं होते। हाथ के महत्ता बताते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि दशावतारों को लीजिए, मच्छावतार से लेकर कृष्णावतार तक लीजिएगा, किसी के तो हाथ ही नहीं है, किसी के हाथ हैं तो टांगों के रूप में, है भी तो खुर हैं, किसी के हाथ के लिए नाखून है, किसी के हाथ हैं मगर तमो गुण प्रधान है, वामनावतार है, परशुरामावतार है, रौद्र रस का एक हो तो तामस तत्व का एक, रजो तत्व का एक। ये हाथ होकर भी इन हाथों को पूर्ण हाथ नहीं कहनी है, पूरा हाथ नहीं कर सकते हैं। पूर्ण अवतारों में राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, सात्विक का हस्त कहते हैं, तो वहीं से ही हाथ का महत्व बढ़ गया। सामुद्रिक शास्त्र किस लिए कहा गया, ये समुद्र का उतना गंभीर है, अथाह सागर जैसा है, समुद्र जैसा है, उत्ताल तरंगे, लघु लहरे, नदी की सी सरल प्रवर गति है, बड़बग्नि भी है, समुद्र में क्या नहीं होता, उसको कहते समुद्र। वैसे रे उत्कृष्ट भावनाओं से युक्त शास्त्र, नाना प्रकार के भाव हमारे हथेली में दिखाई पड़ते हैं, इस कारण इस शास्त्र का नाम दिया गया सामुद्रिक शास्त्र, समुद्र तुल्य शास्त्र। नहीं, कुछ लोगों की परिभाषा अलग है। मुद्रा माने चिन्ह, रेखा, हथेली में रेखाएं होती हैं, ठीक है, कैसी रेखाएं, चैतन्य युक्त सक्रिय रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, उसमें से एक फल निकलता है, रेखाओं को पढ़ सकते हैं। कौन सी रेखाएं, प्रारब्ध में, भाग्य में, ललाट में, विपंची ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ने जो कुछ पूर्वजन के कर्म के अनुसार जो भाग्य यहां लिखते हैं उसकी फोटोग्राफी है हथेली की रेखाएं। ये चैतन्य युक्त रेखाएं होने के कारण ये मुद्राएं चैतन्यवान होने के कारण, कुछ न कुछ अर्थ बताने के कारण वो लिपि के रूप में मानकर सामुद्रिक शास्त्र मुद्राएं हैं, मुद्राओं सहित शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र। वास्तव में सामुद्रिक शास्त्र का प्रणयन किसने किया, कहते हैं समुद्रेण नामक ऋषि थे, वे उनकी रचना है ये शास्त्र। कुछ लोग कहते हैं ऋषि नहीं थे, वे नाविक थे,
मतांतर है, जो भी हो, समुद्रेण विरचित शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र, ऐसी परिभाषा कुछ बताते हैं। नहीं, कुछ लोग कहते हैं मोद मुद संतोष मुद्रा, मुदम राति इति मुद्रा, यानी संतोष युक्त संतोष जनक, प्रमोद मोद संतोष, संतोष होता है। किसको पढ़ने से, किसको सुनने से, किसको देखने से, रेखाओं को देखने से, सह मुद्रा सामुद्रिक शास्त्र, यानी जिस शास्त्र को पढ़ने से, जिस शास्त्र को सुनने से, जिस शास्त्र के द्वारा भाग्य बताने से लोगों को संतोष होता है, उस शास्त्र को कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। शास्त्र क्या होता है? शासन करता है। एक शास्त्र नहीं, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, वृक्ष शास्त्र है, जीव शास्त्र है, अश्व से संबंधित अश्व शास्त्र भी है, जीव जंतुओं से संबंधित शास्त्र है, मगर भविष्यवाणी बताने वाले शास्त्र भी है। वैसे शास्त्रों में प्रथम स्थान, अग्रज का स्थान, पहला स्थान ज्योतिष शास्त्र का है। ज्योतिष शास्त्र का, ज्योतिष शब्द का अर्थ इतना विस्तृत है, ब्रह्मांड जितना बड़ा उतना बड़ा है। जिस ज्योतिष शास्त्र को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, उसका एक विभाग मात्र है ये, वही ज्योतिष नहीं है, वो एक शास्त्र है, उसका अग्रज स्थान है, उससे बढ़कर कोई शास्त्र हमको मिल नहीं सकता है। सामुद्रिक शास्त्र, हाँ ये भी उसके बराबर का स्थान लेता है, ये भी। अंतर इतना ही है, वे भाग्य को पढ़ नहीं सकते हैं, ललाट की रेखा उनको पढ़ नहीं सकते हैं, ग्रहों के आधार पर, गणना के आधार पर, गणित के आधार पर भाग्य बना देते हैं, ग्रहचारों के बारे में, गोचार के बारे में से कुंडलियां बनाते हैं, गणित आधार होता है। सामुद्रिक शास्त्र के लिए गणित नहीं है, रेखा, रेखाओं के आधार पर भविष्य को पढ़ाते हैं, क्योंकि यहां जो लिखी रहती है, ललाट में जो लिखा रहता है ब्रह्मा द्वारा, उसका अंकन ही रेखाओं के रूप में हथेली में आ गई है, इसको पढ़कर भी भाग्य बता सकते हैं। हाँ, इसलिए इसे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र, ऐसा क्या कहते हैं? पादतल सामुद्रिक भी है, यानी चरणों पर भी रेखा है, उन रेखाओं को देखकर भी बताने वाले शास्त्र है, मगर आज वो शास्त्र अपने पैर दिखाते कौन, देखकर बताते कौन, वो दूर की बात है, मगर वो भी एक शास्त्र है। केश, केश शास्त्र भी है, मुख, मुख शास्त्र है, आकृति संबंध वो भी शास्त्र है, ग्लास में पानी लगाकर उसमें उधर व्यक्ति बैठा रहता है, उसके आधार पर जैसा चित्र दिखाई पड़ता है एक कुंडली बनाते हैं, उसको कहते हैं छाया पुरुष लक्षण शास्त्र, वो भी एक शास्त्र है। केवल जन्म तिथि को लेकर ग्रहों के आधार पर जो शास्त्र सुनाते हैं, बताते हैं, वो संख्या शास्त्र है, लिपि शास्त्र है, बोली का शास्त्र है, खोज करने की आवश्यकता है, यानी शास्त्र जो भी हो शासन करता है। भविष्यवाणी सुनाने वाले शास्त्रों में दो ही शास्त्र पूर्ण शास्त्र कहलाते हैं, वैसे शास्त्रों में अग्रज का स्थान है ज्योतिष का, अनुज का स्थान है सामुद्रिक शास्त्र का। ये ट्विंस बोलते हैं ना, दो दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, दोनों का समान स्थान है, एक दूसरे की सहायता कर लेते हैं, सहायकारी शास्त्र हैं, यानी ज्योतिष में जो रहता है सामुद्रिक शास्त्र में वही रहता है, उनका माध्यम गणित है, इनका माध्यम रेखाएं हैं, अंतर उतनी ही, इसलिए इसे रेखा शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र क्या होता है? एक धनुष, बस उतना ही, चाहे वो ज्योतिष हो
संख्या शास्त्र हो, सामुद्रिक शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र हो, जिसको मनोविज्ञान शास्त्र बोलते हैं वो भी ज्योतिष से निकला, भौतिक शास्त्र वही ज्योतिष, वो ज्योतिष का अर्थ विस्तृत है, ब्रह्मांड उतना विस्तृत है, ये ज्योतिष अलग है, उसका विभाग है, संक्षिप्त रूप है। ग्रह हर एक शास्त्र के लिए प्रधान है, सामुद्रिक शास्त्र के लिए भी ग्रह प्रधान है, उनको वर्णमाला के रूप में हम बता सकते हैं, जिस वर्ण में चले जाएंगे उस वर्ण की ध्वनि आ जाती है। भाग्य भाषा के लिए ये रेखा लिपि है, अर्थात इसकी लिपि कहलाई जाती है, प्रारब्ध की लिपि है, रेखाओं के माध्यम से। शास्त्रों को पढ़िए, एक बार पढ़ने से शास्त्र नहीं बनेंगे, एक शास्त्र कोई भी शास्त्र मोलिए, उदाहरण के तौर पर मैं ही लूंगा, यानी मेरे शास्त्र को ही लूंगा, यानी सामुद्रिक शास्त्र, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, अगर समुद्र सामुद्रिक शास्त्र एक हिमालय पर्वत है, मैं छोटी सी राई हूं, बस उतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समुद्र को, पूरा समुद्र को कौन तैर सकता है, तैर सकते हैं कुछ हद तक बस, हर कोई शास्त्र की वही स्थिति होती है, परिपूर्ण करतला मालक शास्त्र को कोई नहीं जानते हैं, परिपूर्ण व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं कह सकते, उसमें प्रवेश होना, पारंगत होना, विशारद होना, अनुभवज्ञ होना, ये सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ने की बात होती है। तो रेखाओं के आधार पर बताने वाला शास्त्र है रेखा शास्त्र, हथेली में होने के कारण हथेली रेखा शास्त्र, हथेली सामुद्रिक शास्त्र, हस्त सामुद्रिक शास्त्र इसका नाम पड़ा। ज्योतिष का साकार ये लेता है, इसका साकार भी ज्योतिष लेता है। जिनकी जन्म तिथि नहीं है लग्न कुंडली नहीं डाल सकते हैं, सही प्रारब्ध नहीं बता सकते हैं, उनका आधार गणित मात्र है। जो जुड़वे होते हैं, ट्विंस होते हैं, एक ही तिथि पर पैदा होते हैं, एक ही कुंडली होती है, एक ही प्रकार का सब कुछ भाग्य होता है, ये ज्योतिष कहता है, सामुद्रिक शास्त्र ऐसा नहीं कहता। जैसी रेखाएं दिखाई पड़ी वैसे बोलते हैं, यानी आंखों देखी कहानी सुनाते हैं, रनिंग कॉमेंट्री सुना सकते हैं। जहां ज्योतिष शास्त्र मौन धारण करता है, वह मुंह खोलने वाला अगर कोई शास्त्र है तो केवल सामुद्रिक शास्त्र, बस सामुद्रिक शास्त्र उतना गंभीर शास्त्र है, ज्योतिष से भी बड़ा नहीं कहूंगा, मगर समुद्र है वो, सागर है, विशाल सागर है ज्योतिष शास्त्र। जरा पानी खारा खट्टा जरा नमक मिला हुआ रहता है, अरे सामुद्रिक शास्त्र एकदम भोला भाला, गंगा का पानी है, मीठा पानी, जैसी रेखा देखते हो वैसे फल बता दीजिए, खत्म। यानी जुड़वे के बारे में जन्म तिथि जिनकी नहीं, जिनको वहां प्रश्नार्थक के रूप में ज्योतिष शास्त्र खड़ा होता है, मैं हूं आपका अनुज सहायता करने के लिए, मैं उसकी पूर्ति करूंगा, सहायकारी शास्त्रज्ञ, यानी उनमें जो त्रुटियां है उन त्रुटियों की पूर्ति करने वाला कोई शास्त्र है, कोई शास्त्र साहस करता है, केवल सामुद्रिक शास्त्र साहस करता है। इस कारण सामुद्रिक शास्त्र को त्रुटिपूर्ति शास्त्र भी कहते हैं, जुड़वा शास्त्र, सहायकारी शास्त्र, सहकारी शास्त्र, अनुज शास्त्र, त्रुटिपूर्ति शास्त्र, बस दो समान है, तराजू में रखेंगे बराबर तुलते हैं वे, ये दो शास्त्र, उतना गंभीर शास्त्र है। शास्त्र अलग है, शास्त्र विज्ञान मात्र है, शास्त्र के अनुसार कथोपकथन करना, प्रारब्ध बताना अच्छी कला हो, विज्ञान के साथ कला हो तो ही भाग्य प्रवचन कीजिए। मैंने सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन किया, ठीक है, बढ़िया, विज्ञान मात्र है, उसके उसके
साथ साथ मैं दूसरों को सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर फल सुना रहा हूँ, भाग्य प्रवचन कर रहा हूँ। अभय भाषा हो, निर्भीक होकर कहिए, हर एक से कहिए, जो जो व्यक्ति हाथ पसार कर बताते उन सभी को बताइए, कैसा सुंदर भाषा, अभय भाषा, निर्भीक भाषा, भय न हो, हृदय कंपित न हो, भयभीत न हो। अगर आप ये शास्त्र को जानते हैं करके किसी को डराएंगे, तुम शास्त्र पढ़कर भी व्यर्थ है मित्रों। इस कारण शास्त्र को सार्थक कीजिएगा, वो शासन करता है। ये रेखा इसी होने के कारण ऐसा फल मिलता है। हमारी कल्पनाओं से, शांति के साथ रहने से, उसको अच्छे बनाने के कारण अगर हमारे विचारों में परिवर्तन लाएंगे, ये साइंस है, रेखाएं परिवर्तित होती हैं, परिवर्तित होते हैं, निरंतर रेखाओं में परिवर्धन परिवर्धन की प्रक्रियाओं को हम देख सकते हैं। रेखाएं बदलती है क्या? बिल्कुल, विश्वास कीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आपके हथेली के एक चित्र लेकर रखिए, आप 9 महीने के बाद देखिए, 1 साल 2 साल के बाद देखिए, 7 साल को एक बार देखिए, बड़ी बड़ी रेखाओं में अंतर आ जाता है, छोटी रेखाओं में 9 महीने में अंतर। मैं घर का निर्माण करूंगा, जीवन रेखा पर या बुद्धि रेखा पर या भाग्य रेखा पर एक शाखा अंगुलियों की ओर चलती है, यानी वृद्धि। किस लिए? घर के निर्माण के लिए पैसे जमा करता है, घर का निर्माण करेगा। कौन सा चिन्ह है? त्रिभुज का चिन्ह है, सुंदर चिन्ह है, घर का निर्माण करके रहेगा। भाई प्रारब्ध ही इतना है, मेरा जीवन ही इतना है करके निराशित हो जाएंगे? नहीं, भाग्य कुछ नहीं कर सकता है, भाग्य को हम लिख ले सकते हैं। पूर्व कर्मों के आधार पर जो भाग्य यहां लिखा गया है वो प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध को बदल नहीं सकते। सही बात है, अच्छे विचारों से बदल सकते हैं। रक्त प्रवाह है हमारे दिमाग में, इतने विषय हो तो देखन छोटे लगते, दिमाग छोटा है, किंतु वो उसमें एक स्थान है जिसको सहस्रार स्थान बोलते हैं। हर प्रकार के नस इसी सहस्रार स्थान से निकलते हैं। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा बैठे हैं वे प्रारब्ध के अनुसार यहां ललाट पर लिखते हैं। हमारे सहस्रार स्थान यहां भी ब्रह्मा का स्थान है। हर जातक के लिए हर ब्रह्मा अलग है, हमारे भीतर भी ब्रह्मा है। हर एक एक व्यक्ति में कह रहा हूं मैं, आपके दिमागों में भी एक ब्रह्मा है, स्वयं सृष्टिकर्ता हैं हम। गर्व से नहीं बता रहा हूं मित्रों, ये गंभीर रूप से बता रहा हूं, आत्मविश्वास के रूप से बता सकता हूं, हम अपना भाग्य लिख सकते हैं। कैसे? सुंदर विचारों से, सुदृढ़ विचारों से, सत्संकल्पों से, अच्छी भावना रखिए, मृत्युंजय बन जाएंगे। छोटी रेखाओं को देखकर बुरी रेखाएं, बड़ी रेखाओं को देखकर बहुत अच्छी रेखाएं, गड़बड़ी रेखा इधर उधर उथल पुथल जैसे नाना प्रकार की रेखाएं, उन पर कंपित होने की जरूरत नहीं। एक एक रेखा को लीजिए, एक एक का फल सुनाइए, जीवन का चित्र जो का त्यों उतार के उनके सामने रख देंगे। डराइए मत, डराएंगे तो सफल शास्त्र ज्ञात नहीं बन सकते हैं। आप विज्ञ नहीं कहलाते हैं, आप शास्त्रज्ञ नहीं कहलाते हैं। शास्त्र के आधार पर ज्योतिष यानी उनका प्रारब्ध बताने का हक नहीं है आपको। भाषा अच्छी हो, कलात्मक हो, सुंदर हो, अभय हो, आगे के व्यक्ति को आत्मविश्वास दिलाइए, जिसके कारण नई कल्पनाओं कर सकते हैं, नए विचारों से आगे बढ़ सकते हैं, रेखाएं आ जाएंगी। जो आड़ी रेखा है, जो दिक्कतों को देने वाले को उसको काटने वाली एक लंबी रेखा भी आ जाएगी, दिक्कत दूर हो जाएगी। किसने की है? हमारे ब्रह्मा ने। कहां पर है? शास्त्र स्थान पर है। इस कारण सामुद्रिक शास्त्र को सीखिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि सामुद्रिक शास्त्र पर विश्वास कीजिए, प्रगाढ़ रूप से विश्वास कीजिए, मूढ़ विश्वास मत बताइए। शास्त्र धनुष मात्र है, हर धनुष एक ही समान रहते हैं। जो समस्या आपके सामने आती है, जातक लेकर आता है, तो बाण है,
आपका विज्ञान आपकी कला निशान है, अनुभव बराबर तीर वहां लगेगी, सफल रहेंगे आप। विज्ञान है धनुष है बाण है समस्या लेकर आया है, मगर निशान ही नहीं तो क्या निशान लगा सकते आप। तो इतने को मिलाएंगे तो ही भविष्य है। ये हथेली की रेखाएं हो ललाट की रेखाएं हो जितने भी भविष्यवाणी कहने वाले शास्त्र हो वे केवल धनुष मात्र होते हैं, प्रारब्ध मात्र होते हैं। अच्छा प्रारब्ध बताते हैं, बुरे प्रारब्ध को भी बताते हैं। बुरा प्रारब्ध अगर बताया जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, किस प्रकार इसको सुधारूं सोचिए, नए विचारों के नए संकल्पों से अच्छी रेखाएं आ जाएंगे। प्रारब्ध प्रारब्ध के अनुकूल प्रयत्न कीजिए, प्रारब्ध प्रयत्न ये दो एक हो जाएंगे तो दोनों नदियों का सुंदर संगम हो जाएगा। तो अंतर्वाहिनी के रूप में सरस्वती बहती है, आपकी वाणी सत्यवाणी होगी, वाक शुद्धि होगी, वाक सिद्धि होगी, मनोसिद्धि होगी, हर काम को कर सकते हैं आप। विश्वास कीजिए, डराइए मत, प्रारब्ध हम स्वयं बना ले सकते हैं, दुर्भाग्य भी है सद्भाग्य के रूप में परिवर्तित कर ले सकते हैं। उतना बड़ा नहीं, दुर्भाग्य को मिटा नहीं सकते हैं मगर हटा सकते हैं, जरा बाजू कर सकते हैं, सन्मार्ग पर चढ़ सकते हैं अपने विचार, क्योंकि ये भी रक्त प्रवाह है, रक्त प्रवाहों के आधार पर ही रेखाएं बनती हैं। कुछ रेखाएं आप शास्त्र को पढ़ते समय दिखाई, उदीयमान रेखाएं, ऐसी रेखाएं होती हैं जो उदित होती हैं हथेली पर, ऐसा छूने से हाँ ये रेखाएं अनुभव करते हैं, वो रेखा कहलाई जाती है। हथेली को देखने से एक रेखा ऐसी दिखाई पड़ती है, ऊपर तो नहीं आई है भीतर से है, उदीयमान रेखा है। उस उदीयमान रेखा के जनक कौन है? हमारे ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मा का रहते हैं सहस्रार स्थान में। सहस्र स्थान में क्या करें, सुंदर कल्पना कीजिए, रेखा उत्पन्न हो जाएगी, भविष्य अच्छा बन जाएगा। अब क्या हम अमर भविष्य को लिख सकते? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुरुषों को दाएं हाथ देखें और स्त्रियों को बाएं हाथ देखें, गलत है। ये फिल्म है पुरुषों के लिए, फिल्म फोटोग्राफी के लिए ये फोटो है, महिलाओं के लिए ये फिल्म है ये फोटो है। भाई अगर फोटो में कुछ गलती है तो नेगेटिव को देखिए, हाँ नेगेटिव तो ठीक है, अरे भाई यहाँ कुछ गलती हो गई है, फिर प्रयत्न कीजिए दूसरी कापी, तीसरी कापी, चौथी कापी, पांचवी कापी में बराबर ठीक आ जाएगी। प्रयत्न करना हमारा काम है, महिलाओं के लिए वो भी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों हाथों को देखने की जरूरत है। और ये कहता हूं, शास्त्र किस विश्वास से आते हैं? शास्त्र के आधार पर जो भविष्य होते हैं, छोटे हो युवक हो वृद्ध हो चाहे पुरुष हो या महिला हो, स्थान पिता का स्थान। पिता से जिस प्रकार निर्भीक होकर लड़के पूछते हैं, लड़कियां पूछती है, उसी प्रकार निर्भीक होकर जितने भी संदेह हैं उतने संदेह प्रवचक से प्रवचन करने वालों से पूछ सकते हैं, जो जो शास्त्र को जानते हैं उनके पास जाइएगा। आपके घर घर नहीं मंदिर बनाइए, आप व्यक्ति नहीं है शक्ति बन जाइए, आप जीवी नहीं है परमात्मा बन जाइए। आत्मा परमात्मा, मैं बोल रहा हूँ परमात्मा स्वरूप, हर कोई व्यक्ति हमारी दृष्टि में बराबर है। करोड़पति भी आ सकते हैं, बिगपति भी आ सकते हैं, उनको भी बताइए इनको भी बताइए, वो भी व्यक्ति है ये भी व्यक्ति है, उनको भी हक है कि सामुद्रिक शास्त्र क्या होता है बताइए। ये पैसे नहीं देते, देने मत दीजिए, क्या शास्त्र का अर्थ क्या होता है? पैसे लेकर क्या कोई व्यापार है? जीने के लिए तो कुछ लीजिए पैसे,
पैसे लेने के लिए मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, मगर इतना धन लीजिए, उनकी शक्ति को देखिए। एक भंवरा, एक मधुमक्खी फूल से अमृत लेता है, शहद कितना फूल को नष्ट न हो उतना। जो व्यक्ति आपके सामने आते हैं उनके शक्ति के बाहर की बात है, उतने पैसे देना सताएंगे? शास्त्र पढ़कर क्या फायदा, शास्त्र ज्ञानी होकर क्या फायदा? भय शास्त्रज्ञ बनना चाहते, बहुत सुंदर, स्वागत है, सुस्वागत है, शास्त्र को मोलिए। ये क्या है, पढ़िए पुस्तक मोहला, पढ़िए बस कि शास्त्र है, फिर एक बार पढ़िए। अरे 100 200 नहीं 300 रुपए कर लेकर देकर मैंने ये ग्रंथ मोला, इसमें क्या देख, 300 रुपए के लिए तो एक बार पढ़िए और एक बार पढ़िए। क्या ये शास्त्र है क्या, और एक पढ़िए। क्या ये शास्त्र दूसरों के प्रति ठीक बन रहा, और एक बार पढ़िए। अपने हथेली से तुलना करते हुए पढ़िए, एक बार पढ़िए, एक के दुक्के बार नहीं 6-7 बार पढ़िए, शास्त्र कुछ आ जाएगा। शास्त्र आ गया संतुष्ट हो मत हो जाइए आप तुरंत ही, अवगाहन होना चाहिए, अच्छा ये रख है, ऐसा होने से ये फल मिल रहा, ठीक ठीक। ऑन रीडिंग, ऑन राइटिंग, ऑन हियरिंग, ऑन सीइंग, ऐसे एक्सरसाइज करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, अवगाहन भी आएगा, अनुभव भी बढ़ेगा। जब तक अनुभवज्ञ नहीं बनेंगे, जब तक शास्त्रज्ञ नहीं बनेंगे, शास्त्र पर हमारा कुछ अधिकार नहीं चला आता है, तब तक जल्दी मत कीजिए। जल्दी का काम शैतान का काम होता है, घास जल्दी उगती है, जल्दी मत दिए, धीरे धीरे उगिए, पेड़ों के समान, झाड़ों के समान लंबे उम्र तक जी सकते। देरी हुआ तो भी परवाह नहीं, अच्छी तरह से पढ़िए, अवगाहन बढ़ाइए, अनुभवज्ञ बनिए, तब पादार्पण कीजिए शास्त्र के प्रवचन सुनाने के लिए। इतने कर्मों को करेंगे, सामुद्रिक शास्त्र मुदम राति इति मुद्रा, आगे का जो व्यक्ति आपके सामने है, जो जातक आया है, वो संतोष से जाता है बेचारा। अगर मृत्यु भी बताना चाहते, एक रेखा पर देखकर मृत्यु नहीं बता सकते, सभी रेखाओं पर मृत्यु का चिन्ह बना रहता है, उतनी रेखाओं को देखकर बताना चाहिए। मृत्यु को बताते हैं क्या, नहीं बताते हैं, जानते नहीं क्या, जानते भी हैं, जानकर भी नहीं बताए तो झूठ नहीं क्या, वो झूठ नहीं कहलाता, वो शास्त्र दोष नहीं होता है। समझे कि एक जातक आपके सामने आ गया, दिखाई पड़ रही सभी रेखाओं पर उनकी मृत्यु है, एक साल के अंदर झूठ बोली है परवाह नहीं, अभी 5-6 साल तक जीवित, माय गॉड 5-6 साल हाँ जिएगा, मृत्यु जब है तभी होगी, 1 साल में मरेंगे करके अगर बताएंगे, 1 साल तक भी जिंदा नहीं रहेगा, 6 महीने में मरेगा, शास्त्र दोष किया आपने, यानी पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। हवाई जहाज से गिरकर कोई नहीं मरता, बीच में मरता, मैं नीचे गिरा, फिनिश क्लोज, भयभीत होकर मरता है। हर किसी को बताते हैं कि ये भागी, ये भागी, ये भागी, आ भागी, मृत्यु नहीं बताते, कैसा स्वयं जान सकते हैं, पंडित ही जानते हैं, अनुभवज्ञ ही जानते हैं, निष्णात ही जान सकते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए निष्णात बनिए, तब शास्त्र सफल होगा। शास्त्र को सार्थक कर, शास्त्र स्वयं सार्थक है, शास्त्र के नाम लेकर मैंने शास्त्र का प्रचार किया, ऐसा गर्व मत कीजिए। शास्त्र के प्रचार करने वाले हम कौन होते हैं, शास्त्र की सेवा करते होते हम धन्य हो रहे हैं। भगवान का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान इतने बलहीन नहीं है कि हमारे प्रचार करने से ही वे प्रचलित हो जाएंगे, बहुत बलशाली है, स्वयं प्रचलित यानी सर्वे सर्वत्र व्याप्त है, शास्त्र भी उतना ही बलवत्तर है। शास्त्र का प्रचार करके मैंने शास्त्र का प्रचार किया, नहीं गलत बात है, शास्त्र की सेवा कर रहे हैं हम, शास्त्र की सेवा करते हुए
उनके आधार पर जो जातक आते हैं उनके प्रवचन जो करते हैं भाग्य का, अगर वो सुंदर हो, अच्छी हो, उनका जीवन चमके, उनका जीवन दिन दूनी रात चौगुनी जैसे चमके, तब अपने आप को धन्य समझे। धन्य धन्य, एक बार नहीं शतबार धन्य कहता हूं मैं। झूठ बोलेंगे, भयभीत करेंगे, लूटी करेंगे आगे के व्यक्ति को, 4,000-5,000 से एक पैसा भी कम नहीं लूंगा मैं आपका भाग्य बता। 5,000 रुपये कहाँ से ला सकती है? डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं एक रोगी के लिए, अगर करोड़पति है लिखने दीजिए 10,000 की गोलियां, रुपए वालों की गोलियां। धनवान कौन है, निर्धनी कौन है पता नहीं चलता, राजा कौन है, रंक कौन है पता चल जाएगा। केवल आर्थिक स्थिति को नहीं, देश काल परिस्थितियों को जानकर बताइए, उनके मानसिक स्थिति को देखिए। कठिन से कठिन कठिनाई को भी सहने की शक्ति है, उतनी ताकत है, हृदय बल उतना है, आत्मविश्वास उतना है, कह सकते हैं आप। एक छोटे से अपमान को, एक छोटी सी दिक्कत से थरथर कांपने वाले होते हैं, आप क्या जीते, बहुत कठिनाई, हृदय का धड़कन आ जाएगा, दिल रुक जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक तब होता नहीं, अब होता उनका। पाप नहीं है ये, शास्त्र भयभीत करना नहीं, शासन करता है। शासन दूसरों को दबाने के लिए, बुराई को दबाने के लिए काम में आता है। शासन सर्वसाधारण आम जनता के भलाई के लिए शासन होते हैं, उस शासन का गौरव करना हमारा धर्म है। विश्वास बढ़ाइए, शास्त्र का गौरव कीजिए, प्रगाढ़ विश्वास कीजिए, मूढ़ विश्वासों का प्रचार मत कीजिए। डराइए मत, निर्भीक कहिए, अभय भाषा में कहिए, कलात्मक रूप से कहिए, तभी आपका ज्ञान विज्ञान बन जाएगा, शास्त्र सार्थक बन जाएगा। अब शास्त्र के विषयों को जो कुछ बताना है, बहुत कम बताया मैंने, क्योंकि बहुत कुछ बताना है। शास्त्र में प्रवेश होने के पहले दहेली को पार करना है। ये दहेली है, दहेली को मैंने बता दे कि भीतर का शास्त्र ऐसा रहेगा। अब चलिए भीतर, दहेली पार, कमरों की ओर, वेरेंडा, हॉल, किचन रूम, डाइनिंग हॉल, बेडरूम्स, चिल्ड्रन बेडरूम, मास्टर बेडरूम, गेस्ट बेड, नाना प्रकार। शास्त्र इतना विस्तृत है कि एक राजमहल का उतना उतना विस्तार, अनेक कमरे, अनेक रेखाएं। कभी कभी हम स्वयं प्रश्नार्थक होकर खड़े होते हैं, अनुभवज्ञ, हम माने अनुभवज्ञ, मुझे उसमें मत मिलाइएगा कृपया, अनुभवज्ञ में प्रश्नार्थक मैं यहां क्या बताऊं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, रनिंग कॉमेंट्री, रेखा कहां से निकली है, किधर जा रही है, उसके कारक क्या है, कहां से निकली, इसके कारक क्या है, किधर जा रही है, ऊर्ध्व रेखा है, उन्नति रेखा है, अंगुलियों की चल रही है, ठीक है, रनिंग कॉमेंट्री। रनिंग कॉमेंट्री जो कर जैसे कि तैसे कर सकते हैं, मगर जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकते। शास्त्र का आधार चक्की, आटा पीसने के लिए मूल एक होता है केला, उसके आधार पर ही चक्की को घुमाते हैं। शास्त्र आधार है, इसके आधार पर जो बीज रहते हैं वो आटा नहीं बनते हैं, बीज के बीज जैसे रहेंगे। शास्त्र के आधार पर जो बताएंगे वो सत्य सिद्ध होंगे, और आपकी वाणी भविष्यवाणी सत्यवाणी होगी। हर जातक जो आपके सेवा में आएगा धन्य होकर चलेगा, खुश होकर चलेगा। बंधु, अब चलिए हम शास्त्र की ओर चलेंगे, ठीक है।